क्या आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है? इंडियन प्रेसिडेंट को। लेकिन क्या आपने एपीजे कलाम के लिए कभी वोट किया था, या फिर द्रौपदी मुर्मू को आप प्रेसिडेंट बनने से पहले जानते थे? अब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है प्रेसिडेंट की पोजीशन। और उसके रीजन, वेल, कोई एक रीजन हो तो बताऊं। सबसे पहला तो है इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन का क्रिटिसिज्म। कभी उन्हें एक सेरेमोनियल पोजीशन बोला जाता है, तो कभी पावरलेस, और कई बार तो रबर स्टैंप भी। दूसरा, कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुने कैसे जाते हैं, क्योंकि आप और मैं तो उनके लिए वोट करते हैं नहीं, और इन मोस्ट केसेस हमें तो उनके बारे में पता भी उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद चलता है। और तीसरा रीजन, उनकी पावर्स का, उनकी रियल पावर्स क्या होती हैं, क्या उनके पास कोई पावर भी होती है? और अगर कोई पावर ही नहीं होती प्रेसिडेंट के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोजीशन क्यों है? चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से, कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोजीशन आई कैसे। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैविली इंस्पायर्ड है अमेरिकन और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब डॉक्टर अंबेडकर से बेटर कौन एक्सप्लेन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन और उससे जुड़े सवालों को? इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन के हेड है। टाइटल में वो भले ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसे लगे, लेकिन नाम के अलावा और कोई भी सिमिलैरिटी नहीं। अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जो इंडियन सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास होती। इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन ज्यादा सिमिलर है यूके के किंग से। वो स्टेट के तो हेड हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के नहीं। वो कंट्री को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन रूल नहीं। उनके डिसीजन डिपेंड करते हैं उनके मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब वो उस एडवाइस से हटके ना तो कुछ कर सकते हैं, ना उस एडवाइस के बिना कुछ कर सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स कुछ ज्यादा अच्छी पिक्चर पेंट नहीं करती इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। क्या इंडियन प्रेसिडेंट सच में रबर स्टैंप है? और अगर ऐसा है, तो क्यों पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट बनाना चाहती? इसका जवाब है इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स में। अब देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन एक सेरेमोनियल पोजीशन है, लेकिन रबर स्टैंप नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो ऑन पेपर काफी पावर्स प्रोवाइड करता है इंडियन प्रेसिडेंट को, लेकिन कुछ पावर्स प्रेसिडेंट की ऐसी हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट पुश करती हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करती है, तो अप्रूवल के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रोसेस के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई बिल जाता है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम या तो वो उस बिल को अप्रूव कर सकते हैं, या फिर वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए। लेकिन सेकंड टाइम जब पार्लियामेंट सेम बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, तो प्रेसिडेंट को उस बिल को अप्रूव करना होगा, चाहे पार्लियामेंट ने उस बिल में चेंजेस किए हों या ना किए। और फाइनली वो बिल बन जाएगा एक कानून। अब देखिए, वैसे तो प्रेसिडेंट का किसी भी बिल को पार्लियामेंट के पास वापस भेज देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हिस्टोरिकली ऐसे केसेस हुए भी हैं जहां प्रेसिडेंट ने किसी बिल को वापस भेजा और पार्लियामेंट ने फिर उस बिल को रिवाइज किया हो, या फिर उस बिल को ड्रॉप ही कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पार्लियामेंट ने बिना कुछ चेंजेस किए बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया हो, और ऐसे केस में प्रेसिडेंट को उस बिल को अप्रूव करना पड़ता है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। लेकिन ऐसे केसेस के लिए प्रेसिडेंट के पास एक साइलेंट पावर है, पॉकेट वीटो। अब जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया अप्रूवल के लिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई है उस बिल को अप्रूव करने के लिए। तो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उस बिल को सिंपली अपने पास रख सकते हैं, और वो बिल कभी कानून नहीं बनेगा। इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो। और ऐसा हुआ भी है, जब 1986 में एक बिल पास किया गया जिसे काफी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि उस बिल में प्रेस के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी। तो जब वो बिल प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के पास गया अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने उस बिल को कभी रिटर्न ही नहीं किया। और जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने फाइनली उस बिल को रिटर्न किया, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने उस बिल को ड्रॉप ही कर दिया। एक बहुत सी सटल डिटेल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसे बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है एक ऐसी पावर जो पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, टेंपरेरी कानून बनाने की पावर, जिसे आपने शायद ऑर्डिनेंस के नाम से सुना होगा। देखिए, इंडिया में कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट के पास पूरे साल में एक फिक्स नंबर ऑफ सेशंस ही होते हैं। आपने मॉनसून, विंटर, बजट, इन सब सेशंस के नाम तो सुने ही होंगे। और यही वो टाइम होता है जहां पार्लियामेंट में नए बिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी के टाइम का क्या? क्या हो अगर इंडियन गवर्नमेंट को नए कानून की जरूरत हो और पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो? ऐसे टाइम पे काम आती है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब मैं आसान शब्दों में बोलूं तो आइडिया ऐसा कुछ है कि जब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं बैठता, तब तक के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और नेक्स्ट सेशन तक वो कानून रहेगा। एक बार सेशन शुरू होने के बाद पार्लियामेंट देखती है कि आगे क्या करना है। और अगर आपको ये लगता है कि प्रेसिडेंट की ये पावर रेयरली यूज होती है, तो जरा इन नंबर्स को देखिए। पिछले 7 सालों में इंडियन प्रेसिडेंट ने 76 ऑर्डिनेंस पे साइन किया। इनफैक्ट एक बिल तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 5 बार साइन किया। अब वैसे तो ऑर्डिनेंस के लिए भी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट का एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात होती है। और आइडियली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही रोल एनविजन किया था प्रेसिडेंट के लिए, कि वो इंडिया के लोगों के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो पहली नजर में शायद आपको ये लगे कि कैसे इंडियन प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है
ऐसे सटल सिचुएशंस के हिसाब से काफी सटल पावर्स दी गई हैं इंडियन प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट की पावर्स तो हमने देख ली, लेकिन एक सवाल तो अभी भी बाकी है कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि आप और मैं तो उनके लिए वोट करते नहीं। देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। अब इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट क्यों है। देखिए, एक रीजन जो प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए दिया जाता है वो है एक्सपेंसेस। एक फुल फ्लेज्ड इलेक्शन कंडक्ट करना काफी रिसोर्स इंटेंसिव एक्सरसाइज है, इसमें कंट्री का बहुत सारा टाइम और पैसा यूज होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट रखा। इनडायरेक्ट मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए इंडियंस डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे, लेकिन वोट करेंगे उनके चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमपी और एमएलए। लेकिन उनका वोट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नॉर्मली किसी भी इलेक्शन में हमारे एक वोट की वैल्यू होती है एक, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एमपी और एमएलए के एक वोट की वैल्यू डिसाइड होती है उनकी स्टेट की पॉपुलेशन से। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, मैं आपको मैथ्स के फॉर्मूला में उलझाना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला देखना है एमएलए के एक वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, तो फॉर्मूला है ये। काम की बात यह है कि एमपी या एमएलए की एक वोट की वैल्यू डिसाइड होती है उनकी स्टेट की पॉपुलेशन से, और बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आती है 208, तो वहीं सिक्किम जैसे छोटी स्टेट के एमएलए की 7, और जब स्टेट के टोटल एमएलए को कंसीडर करेंगे तो उनके टोटल वोट्स निकल के आएंगे कुछ ऐसे। ये सेम फॉर्मूला यूज कीजिए सभी स्टेट्स पे तो आपके पास आएगा टोटल नंबर। अब ये वैल्यू तो निकल के आई सभी एमएलए की, ये सेम वैल्यू असाइन होती है एमपीज के लिए, और जब आप इन सभी वोट्स को कंसीडर करते हैं तो निकल के आती है इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए टोटल वोट्स। अब एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द वोट्स, और इसलिए आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल सीट के लिए ज्यादा कैंडिडेट्स नॉमिनेट नहीं होते। इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी और उनके एलायंस मिलके एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, और अपोजिशन पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, और सारा गणित यूज किया जाता है उस कैंडिडेट पे सहमति बनाने के लिए। एक बार सहमति बन गई तो उसके बाद का काम तो बस फॉर्मेलिटी जैसा ही है। तो ये थी इंडियन प्रेसिडेंट से जुड़ी कुछ बातें जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा।